अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल बॉयज। रिएक्शन करेंगे हम लोग भीम जेम्स का नया गाना, अभी अभी ड्रॉप हुआ है, जिसका नाम है कीड़े। सो वी गोना गो एंड चेक इट आउट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। ये कीड़े कुछ भी लिखवाते हैं, कुछ भी बुलवाते हैं, अंदर कीड़े नहीं है ना भाई तो मतलब नहीं है जीने का। कीड़े बहुत जरूरी है। बाहर से काफी मैं सीधा सा लड़का था, अंदर से थोड़ा सा सनकी। जब बाकी के बॉलीवुड गाने बजा रहे थे, मुझे तो रैपर्स पसंद थे। डैडी ने बोला तुम बिजनेस संभालो, पर मुझे पसंद नहीं थे धंधे। अंदर ही अंदर कुछ होने लगा था, ये कीड़े करने लगे पंगे। कीड़ों ने रातों को जगाया, कीड़ों ने बॉडी भी बनाया। कीड़ों ने बोला कि मामूली नहीं है, तो डीनो को डीनो से मिलाया। ढीले लोगों से तो मुझे है एलर्जी, ढीली है रैपिंग और ढीली है मेलोडी। छोड़ो ना पंगे और छोड़ो ये जेलसी, डिस ना करना ये लगे हैं पैरडी। कभी मैं पागल हूँ, कभी मैं मेहनती, मुझे ना रोको मैं करूंगा तरक्की। मेरी रोक खाली है जरा नहीं गरती, गाने बनाता नहीं देता मैं थेरेपी। गानों में सुस्ती नहीं, गानों में शीला जी। सुनो तो एनर्जी 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 एनर्जी। फंसेगा नहीं चूहे दानी में, रेती तो पानी में घुलेगा नहीं बे। भले ये लोग तुझे येड़ा बुलाए, पर मरने ना पाए कीड़े सुलेमानी के। तेज में भाग रहा जो भी मिले, मुझे कहते बेटा जी धीरे। मैं फास नहीं तू सो खुद को देख ले, मुझे क्या बोल रहा ढीले। मैं तो कहता तुम धरती पर और हम तो तारों में जीरे। ना जीने दे जीने दे जीने दे जीने दे जीने दे जीने दे कीड़े। Let's go, Dina James. बेटा तो लेजी है, पता नहीं क्या होगा करियर। और किसी भी चीजों में जोश नहीं, बस पड़ा रहता है ये मरियल। फिर डॉक्टर के पास वो लेके गई और बोला सर कुछ तो करिए। डॉक्टर ने बोला तुम दिनों को सुन लो, बॉडी में कीड़ों की कमी है। देसी की देसी तुम देसी पिलाओ, दुनिया को खोदेंगे जैसी पिलाओ। कीड़ों की सुनी मत बना पुलाओ, वेले हम बैठे हैं लड़े चुनाव। बच्चे जो सिंगर थे गाने नहीं गाते, क्रिकेटर बच्चे अब ट्यूशन को जाते। पूछे तो क्या हुआ रोकर बताते कि पापा जी चाइनीज से कीड़ों को खाते। पापा जी ऐसा मत करो यार, बच्चे के कीड़ों को मारो नहीं। कुछ बड़ा करेगा तो फेमस हो जाओगे, फेमस हो जाएगी कॉलोनी। क्या करूं अंदर की चूल का मैं, रूल और उसूल के स्कूल का मैं। ये बबूल की डाल है फूल का मैं, सुन धूल से आया हूँ फूल का मैं। ऐसे लूल से रैपरों में हूल का मैं, अब क्लूलस होकर बैठो झूलता रहे। मुझे कीड़े बोले बस बेटा ढूंढता रहे, साले टूल है पास दिनों टूटता नहीं। पास भूलता नहीं तभी राजा फूलता नहीं, मेरे भूल भुलैया में घूमता रहे। तू जानता बेटे अब हूज द नेक्स्ट, बस स्वैग में बैठे बैठे घूरता रहे। बहुत हार्ड हो गई। 5 मिनट का गाना था बॉयज, लेकिन आग थी, इट वाज सुपर फायर, दैट वाज डीनो जेम्स। क्योंकि भाई जो बंदा हल्का नहीं आता है, देखो व्हेन यू मेक दैट, व्हेन यू टेक दैट मच टाइम टू प्रोड्यूस सॉन्ग एंड रिलीज इट, इट हैज टू बी अ बैंगर। सो डीनो जेम्स डिड नॉट डिसअपॉइंट, इट वाज अ रियली रियली गुड रैप सॉन्ग। और बंदा जो है कीड़ों को लेके इसने गाना लिखा है, तो कीड़े जो है हम लोग जो है एक सार्कैज़म वे पे, एक मस्ती के जो जोक के तरीके से हम लोग ना उसको यूज करते हैं। बट कीड़े जो इसने बात की है, दैट वॉज मोर ऑफ लाइक अ मोटिवेशनल टाइप ऑफ कीड़े, कि आपको कीड़ा होता है तो आप कुछ करते हो, तो हम लोग तो उसको नेगेटिव वे लेते हैं, लेकिन आई लाइक हाउ डीनो जेम्स हैज टेकन दैट वर्ड एंड पुट इट इनटू अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तो ये तो था कीड़े बाय डीनो जेम्स, इन विच ही टॉक्ड अ लॉट अबाउट लाइक कीड़ों की वजह से लोग जो है चीजें करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं और डांसर्स डांस करते हैं, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, यू गेट द पॉइंट। सो दैट वॉज अ रियली गुड मीनिंगफुल रैप। अगर थोड़ा सा हम लोग रैप के लिरिक्स पढ़ें, तो इसमें मुझे एक वर्स 2 में अच्छा लगा था। आंटी ने बोला कि बेटा लेजी है, पता नहीं क्या होगा करियर, किसी भी चीज़ों में जोश नहीं है, पड़ा रहता है ये मरियल, दैट्स व्हाट ही एक्चुअली मींस। डॉक्टर ने बोला कि डीनो को सुनो तुम, बॉडी में कीड़ों की कमी है। तो बेसिकली कीड़े जो है लाइक एनर्जी, लाइक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टाइप, कि अगर आपके जिस्म में कीड़े होंगे तो आप यू विल बी मोर एनर्जेटिक मोर लाइवली। और जिसके जिसम से कीड़े निकाल दिए हैं, जिसके बाप ने जो है फोर्सफुली कुछ चीज़ और करवाई है जो उसको करनी नहीं थी, इन दैट मैटर ऑफ मतलब सेंस के ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ नॉट लाइक what he wants to do, मतलब basically it is a really really motivational type of rap song. So I hope कि guys आप लोग को ये अच्छा लगेगा reaction, और आप लोग को समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस गाने के बारे में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। So if you guys think कि इस गाने का मतलब कुछ और था या मैंने कुछ चीज़ गलत बोली है, तो please do let me know in the comment section. There is कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई problem नहीं है, I am always ready to learn more. Thanks for all the support guys, यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप पहली दफा आए हो चैनल पे, तो प्लीज मेक श्योर टू leave a like and subscribe। आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। Thank you so much for all the support. Ciao.
Let me out.